नमस्कार। चुनाव यात्रा को लेकर इस वक्त हम पहुंचे हैं बुंदेलखंड इलाके के महोबा में। महोबा की जब हम बात करते हैं तो बचपन में सुनी गई आला उधल की कहानियां, वो चौपाइयां, वो बिरहे, वो आला उधल की वीर गाथाओं के नाम से प्रचलित जो तमाम नई संगीत की विधा थी वो ध्यान में आ जाती है। तो जी हाँ, हम उसी वीर भाइयों यानी आला और उधल की जो कर्मस्थली है वहाँ महोबा में खड़े हैं और बात करेंगे चुनाव की। राजनीति की बात करें तो विधानसभा चुनाव में राकेश गोस्वामी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पिछली बार चुने गए थे। हालांकि वो उससे पहले भी विधायक रह चुके हैं लेकिन बहुजन समाज पार्टी से, तो भारतीय जनता पार्टी में वो 5 साल गुजार चुके हैं। नया चुनाव होने जा रहा है, टिकट लगभग सभी पार्टियों के बढ़ चुके हैं, चुनाव आयोग के काफ़ी नियंत्रण हैं, इसलिए लोग अब सड़कों पर निकल तो रहे हैं लेकिन बहुत खुल के नहीं निकल रहे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं, लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार का जो चुनाव होने जा रहा है किन किन मुद्दों पे आधारित होगा। ये कई मुद्दे हैं ऐसे तो, जैसे कि बेरोजगारी, कई हैं ऐसे मुद्दे लेकिन ज़्यादातर बेरोजगारी ज़्यादा है। क्या लगता है सरकार किसकी बनेगी? योगी जी की बनेगी सरकार, तो योगी जी की ही बनना है। बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है और फिर भी सरकार, लेकिन वो भी चलिए योगी जी देख रहे हैं धीरे धीरे, अब अगली बार वो भी देखेंगे। ऐसा नहीं है, फिर भी काफ़ी लोगों को भी रोजगार मिला है, कई लोगों को नहीं मिला है, तो वो भी अगली बार वो भी हो जाएगा। आप बताइए क्या मुद्दा हावी रहेगा? देखिए, ये भाजपा के लोग स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि बेरोजगारी भारी मात्रा में है, किसान परेशान है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य सेवाएं ध्वस्त है, उत्तर प्रदेश हर मूलभूत सुविधाओं से बुरी तरीके से गुजर रहा है। ये सरकार ना सिर्फ से स्वास्थ्य सेवाओं से मतलब है, ना योगी सरकार को नौजवानों के रोजगार से मतलब है, इन्हें केवल मंदिर और मस्जिद से मतलब। ये मंदिर और मस्जिद की बात कर एक समाज में खाई पैदा कर रहे हैं। तो आपको लगता है स्थानीय मुद्दा क्या होगा? स्थानीय मुद्दा रोजगार है। बुंदेलखंड के किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। महोबा जनपद, महोबा का सब उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, इस जिले से इन 4.5 सालों में 150 से ऊपर किसान आत्महत्या कर चुका है कर्ज और आर्थिक तंगी के कारण। अभी 2 दिन पहले फसल नष्ट हुई तो 2-3 किसानों ने आत्महत्या की। भारतीय जनता पार्टी के को किसानों से और नौजवानों से कोई मतलब नहीं। किसान भारी मात्रा में आत्महत्या कर रहा है, नौजवान भी बेरोजगारी कारण आत्महत्या कर रहा है। इस बार 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता और खासकर महोबा की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर देगी। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, वो तो समय बताएगा, 10 तारीख को पता चलेगा, 10 मार्च को। आपको क्या लगता है 10 मार्च को इस बार कौन साफ होगा? सब लोग एक दूसरे को साफ कर रहे हैं। जी, जनता बदलाव की ओर जा रही है और इस बार भी बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी को अपना जो मुद्दे लेकर के आए थे, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, उनमें वो खरी नहीं उतरी है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और इस बार इस सरकार बदलेगी और मुझे लग रहा है कि सपा और बीजेपी के बीच में जो मैच चल रहा है उसके हिसाब से सपा की सरकार बनेगी। यानी इस मैच में सपा की सरकार बनेगी। आप बताइए इस मैच में कौन जीतेगा? इस मैच में वही जीतेगा जिसने विकास किया हुआ है। और विकास अभी तक जैसे 4 बार समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश में, 3 बार BSP के रहे, लेकिन यहाँ भाजपा के भी तो रहे हैं, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, गुप्ता जी, लेकिन यहाँ खास तौर से जो पानी की कमी थी खेतों में, यहाँ का किसान मजदूर पलायन कर रहा था, वो पलायन अभी 4-5 साल में वास्तव में रुका है। और हर घर पानी, हर खेत पानी और केनवेतवा लिंक अर्जुन सहायक परियोजना, ऐसी पानी के लिए किसानों के लिए जो मूलभूत जरूरतें थी उसको अभी भाजपा सरकार ने पूर्ण किया है। तो अभी तो यहाँ पर किसान की उम्मीदें बढ़ी हैं, मजदूर की उम्मीदें बढ़ी हैं, जैसे छात्र हैं उनके लिए स्कूल व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है। तो अभी भाजपा सरकार ही ज़्यादा अच्छा काम कर रही है। जी, इस बार यहाँ महोबा जिला सबसे छोटा जिला है यूपी का, BJP सरकार ने कुछ नहीं किया। यहाँ एक खनिज उद्योग मात्र एक महोबा जिले का सहारा है,
उसमें भी 500 क्रेफर में 400 क्रेफर बंद पड़ा हुआ है। बंद क्यों पड़ा है? गलत नीतियों की वजह से, बीजेपी की गलत नीतियों की वजह से बंद पड़ा हुआ है। यानी जो चल रहा है वो क्या, कैसे चल रहा है? कैसे चल, कहाँ चल रहा है भाई साहब, चल कहाँ रहा है? लोग पलायन कर गए यहाँ से, बस दिल्ली कलकत्ता गुजरात सब भाग रहा है आदमी। यहाँ क्या किया बीजेपी ने बताइए आप, ये किया है? फिर भी बीजेपी के लोग कहते हैं कम से कम पानी पहुंचाने का काम किया। अब वो तो का नाम में कहेंगे अपनी पीठ तो हर कोई थपथपाता है। ऐसा थोड़ा है कि ये जितनी भी विकास योजना है सब अखिलेश यादव के जमाने की है, ये फीता ये लोग काट रहे हैं सब आके। बस हमारा तो यही कहना है कि राष्ट्र तिलक की करो तैयारी, 10 मार्च को आ रहा है लाल टोपी धारी। बहुत बढ़िया, आप बताइए। देखिए भैया, 2014, 2017, 2019 जनता ने स्पष्ट कर दिया है के परिवार जातिवार वंशवाद इनसे सब मुक्त केवल एक ही भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि आपको सभी को पता है कि बुंदेलखंड कितना सूखा राज्य था, घर घर तक जल भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया है। चाहे वो कन्यादान हो, विधवा पेंशन हो, सड़कें हो, बिजली हो, जहां अखिलेश की सरकार में 8 घंटे मुश्किल से बिजली थी, आज 24 घंटे बिजली मिल रही है, 24 से 22 से 24 घंटे। आप हम नहीं कह रहे हैं, जनता कह रही है, क्योंकि जनता जागी है। 2014 में भी जनता जागी थी, 2017 में, 2019 में, 2022 की भी तैयारी हो, 2024 की हो, 2027 की भी तैयारी, एक बार फिर भगवादारी आएंगे। क्या लगता है माहौल युवा होने के नाते किसका है? अखिलेश यादव बताए। देखिए, सत्ता पर इस बार समाजवादी पार्टी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में ना ही विकास के मुद्दों पर बात की है, ना ही रोजगार के मुद्दों पर बात की है, ना शिक्षा के मुद्दों पर बात की है। ये पार्टी पूरी तरीके से अराजकता करती है। इसके पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई मुद्दा नहीं है। अभी इन्हीं के विधायक और मंत्रियों ने, जिन्होंने इस्तीफा दिया है, तो उन्हीं ने आरोप लगाए हैं कि इस पार्टी में शोषित वंचित पिछड़ो दलित। सुनिए, ये तो वो लोग हैं जो जब टिकट पता चला कि अब कट जाएगा तब इनको उमस हुई है। नहीं, टिकट अभी कोई बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की थी, उससे पहले उनको पता चल चुका था कि कूड़ा हो चुकी है ये। अब भारतीय जनता पार्टी को अपनी कोई चीज छुपाने नहीं, तो मंत्री जो जिनके साथ 30-40 विधायक है वो छोड़ रहे हैं, उनका टिकट कैसे कटेगा? ये पूछते हैं, ये बताइए, ये जो लोग टिकट कटने के भय से भाग रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा में शोषण होता है पिछड़ों का, दलितों का, कुछ असर पड़ेगा? देखिए भाई साहब, जो भाग रहे हैं ये स्वयं स्वार्थी हैं। इनको ना तो जनता से मतलब है, इनको अपने आप से मतलब है। और आज जो समाजवादी पार्टी ने जो अपने टिकट बांटे हैं उनमें गुंडा, माफिया, गैंगस्टर, 10-10, 307, 304 के केस लगे हुए हैं। ऐसे माफियाओं को टिकट दे करके समाजवादी पार्टी क्या दिखाना चाहती है कि हम माफियाओं को टिकट देंगे, हम क्रिमिनल लोगों को टिकट देंगे? इससे समाज में दहशत फैल रही है। और अच्छे संभवतः इस बात का एहसास अखिलेश यादव को भी हो गया, इसलिए उन्होंने कह दिया कि अब बस, अब उन्होंने रोक लगा दी है। क्या आपको लगता नहीं है कि अब बस बहुत हो चुका है? देखिए, जनता समाजवादी पार्टी की तरफ है और जिस तरीके से बेरोजगारी और खासकर बुंदेलखंड में बदहाली है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग केवल झूठ फैलाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते हैं। आप जहां खड़े हैं, आपके सामने बस स्टैंड है, ये समाजवादी पार्टी की देन है। आपका तालाब खुदवा, ये समाजवादी पार्टी की देन है। महोबा जिला भी समाजवादी पार्टी ने बनवाया है। और मैं एक बात और आपसे बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ जूनियर बैलका इंटर कॉलेज बनाए गए, जूनियर कॉलेज बनाए गए। इन्होंने इन 5.5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में पूरे नहीं करा पाए। ये भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी आएगी। बिल्कुल। ऐसा क्या किया बीजेपी ने? बहुत कुछ किया है। पहले मैं भी कुछ नहीं जानता, लेकिन आज के डेट में जो मुझे शिक्षा मिली है, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। पहले क्या, लोग मोबाइल नहीं देते थे, लेकिन क्यों नहीं देते थे? क्योंकि एंटी रेडिएशन की वजह से। लेकिन अभी क्या है कि इधर पे लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, हॉस्पिटल बढ़िया बन रहे हैं। हमारे इधर पे भी कुछ नहीं था पहले हॉस्पिटल में, लेकिन पहले कुछ ना सुविधाएं थी, कुछ नहीं था, लेकिन अब फिर भी हॉस्पिटल की सुविधाएं भी बढ़ रही हैं, हमें सब सुविधा मिल रही हैं, इसलिए बीजेपी ही आएगी। क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार है? पिछली बार से ज़्यादा भी सीट योगी जी की, पिछली बार से ज़्यादा सीटें आएंगी इस बार। नहीं, ऐसा किस आधार पर? अरे ये देखिए कि कोरोना काल के बाद अभी जो गरीब आदमी, आम आदमी है, कम से 25 दिन का राशन खर्चा चल रहा है उसका, 1 महीने में गैस फ्री मिली है, आवास मिले हैं गरीब आदमी को, कोई 10,000 रुपये, 2.5-2.5 लाख रुपए के, तो योगी जी से अच्छी गवर्नमेंट कोई हो ही नहीं सकती।
पूर्ण बहुमत से योगी सरकार आ रही है और पिछली बार से ज्यादा सीटें आएंगी इस बार। हम एक चीज देखते हैं कि जब हम मुद्दों की बात करते हैं तो लोग बाहरी मुद्दों की बात करते हैं, बेहतर हो कि हम बुंदेलखंड की मुद्दे की बात करें। आपके अपने महोबा के इलाके की क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, आपने पूर्व में देखा कि जो भी सरकार रही, सपा रही, बसपा रही, गुंडों पे गुंडे बेलगाम थे, अराजक तत्व जो है समाज पे हावी थे, बेटियों का निकलना मुश्किल था। आज की डेट में जब से योगी सरकार आई है तब से अराजकता और गुंडों पे पूरी तरह से लगाम लग चुकी है। सब लोग जो है आप या तो छुपे बैठे हैं या आप जो है अंदर हैं। दूसरी बात, जो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम की है वो पीछे कभी नहीं हुए। आप टूरिज्म उठा के देख लीजिए, आप बिजली देख लीजिए, पहले बिजली जो है 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे आती थी, आज ग्रामीण क्षेत्रों में 18 से 20 घंटे आ रही है और शहरी क्षेत्रों में 22 से 24 घंटे बिजली उपलब्ध है। प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे योगी जी इस बार, अगली बार से 50 सीटें ज्यादा आएंगी। ऐसा क्या किया है कि 50 सीट ज्यादा आएगी? अरे बुंदेलखंड में हमारे यहाँ देखिए, गरीब आदमी कोरोना मुक्त, महोबा जिला सबसे पहले कोरोना मुक्त हुआ है पूरे देश में। सूखे की क्या स्थिति रहती है अब? सूखे के लिए, सूखे मतलब ये अभाव होगा, सूखाग्रस्त इलाका घोषित है, तो उसके लिए गवर्नमेंट हमारी सर्वे करा रही है, उसका जो नुकसान हुआ किसानों का वो नुकसान की भरपाई करेगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो संतुलित चीजें निकल आ रही है। जो लोग भाजपा के सपोर्टर हैं, योगी जी के काम को मोदी जी के नाम पे वोट की बात करते हैं, तो वहीं सपा के जो समर्थक हैं, उनकी विचारधारा के लोग हैं, कहते हैं कि अब उनकी सरकार आएगी। सबसे पहले स्वास्थ्य सुविधा जो सब लोग चाहते हैं, पहले जनता 2015-2014 के पहले जनता परेशान थी, कहाँ इलाज कराएं, घर में लेटे लेटे परेशान हो जाते, लेकिन आज जनता के पास 5 लाख का कार्ड बना हुआ है, कहीं भी जाते हैं झोंक के इलाज कराते हैं। अब आप 5 लाख का, जनता के पास छत नहीं थी, लेकिन आज हर आप देखिए ग्रामीण हो चाहे शहरी, हर जितने भी गरीब जनता है उनके पास आवास है, शौचालय है। ये किसकी देन है? मोदी सरकार, योगी सरकार की देन। तो क्यों जनता पसंद नहीं करेगी? जनता बिल्कुल पसंद करेगी। इस बार 320 नहीं 350 पार बनेगी। अच्छा, आप लोग कहते हैं मोदी जी की देन है, योगी जी की देन है, आपके जो विधायक हैं स्थानीय, उनकी भी कुछ देन रहती है? देखिए, स्थानीय विधायक इनके नशे में रहते हैं, एक बाबा जी चिलम के नशे में रहते, इनके विधायक दूसरे नशे में रहते। आपको पता है कि आपके अखिलेश यादव ने चिलमजीवी कहा था, ठीक है, उसका खामियाजा क्या हो रहा है? देखिए, मैं आपसे बताऊं, ये यहाँ की जनता जानती है कि इनके विधायक किस नशे में रहते, और इनके भाजपा के लोग भी जानते हैं विधायक किस नशे। इन्हें जनता से या विधानसभा के लोगों से कोई मतलब नहीं। कोरोना काल में यहाँ के मजदूरों ने क्या स्थिति झेली है और इनके विधायक सांसद कहाँ थे, इनका पता नहीं था, लापता थे। हम लोगों ने खाना बांटा, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी ने जो मजदूरों की मौत हो गई थी उनको 1-1 लाख रुपए पहुंचाए, ये समाजवादी पार्टी ने किया। अभी यहाँ पर ट्रामा सेंटर को लेकर के हमारे संगठन ने 37 दिन अनशन जारी रखा, जिसमें यहाँ का कोई भी क्षेत्रीय मतलब जो सत्ताधारी नेता थे एक भी दिन कोई झांकने नहीं आया। इससे मालूम चलता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति कितनी ज्यादा जागरूक है सरकार। तो आप बने रहिए भारत समाचार पे, फिर मिलेंगे किसी अन्य विधानसभा में।